Guys, welcome to the new video. और भाई अब तो भाई वीडियो आते ही रहेंगे तो सब्सक्राइब कर देना, पहले ही बोल दे रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब कर देना, आते ही रहेंगे वीडियो. और आज भाई बहुत ही ज़्यादा, आज घर पे क्यों, और ये क्या प्री वर्कआउट लेके घर पे क्यों बैठा हूँ, क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट हो गया था सोने में, तो जल्दी नहीं उठ पाया तो उसकी वजह से वर्कआउट स्किप हो गया. और ऐसा हम होने नहीं देंगे, वर्कआउट स्किप नहीं हो सकता. जिम जाने को बोल तो हो रहा है बट वर्कआउट स्किप नहीं हो सकता, तो घर पे आज वर्कआउट करने वाले हैं. बहुत टाइम बाद कोविड वाली वाइब्स वापस लाने वाले हैं, तो घर पे वर्कआउट करेंगे. दो डंबल है, शोल्डर वर्कआउट है, इसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई घर पे वर्कआउट हो सकता है. तो लेट्स सी, मेरे पास डंबल दिखाता हूँ आपको, डंबल उस पर ही वर्कआउट करेंगे. और थोड़ा सेटअप वेटअप करना है, अभी मैं प्री वर्कआउट पीऊँगा, थोड़ा सेटअप करूँगा. ये देखो भाई, ये बंदा आज मेरे साथ वर्कआउट कर, ए कुकड़ू, इसको पता है ये बहुत डिस्टर्ब करेगा. आप सब देखना, ये इतना डिस्टर्ब करता है ना बंदा, ए कोकलू इतना डिस्टर्ब करता है. वो ट्राइपॉड रेडी है अपना, तो लेट्स सी, चलते हैं सीधा वर्कआउट करने. थोड़ा सेटअप वेटअप कर लेता हूँ, ये प्री वर्कआउट पीते हैं और लेट्स गो. मेरा गाइस सेटअप हो गया है भाई, सबसे मेन ट्राइपॉड आपको दिखाऊंगा कैसे, तो ट्राइपॉड तो होना चाहिए. ये रही एक सीट रखी है मैंने, ताकि सीटेड एक्सरसाइज है जो, जैसे डंबल प्रेस है वो इस पे ही करूँगा. इसके बाद डंबल भाई, एक लोचा ये कि ये वाला कुछ 15 की जो केजी का है, ये वाला कुछ 13 जितना, 13.5 केजी का है. तो दोनों में है डिफरेंस तो है, बट उसका एक अच्छा खासा फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड है जो वो थोड़ा वीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड में ये स्ट्रांग वाला यूज़ करूँगा, और राइट हैंड में जो स्ट्रांग है उसमें वीक वाला यूज़ करूँगा, ताकि मसल इम्बेलेंस कम हो सके. ठीक है, ये करेंगे अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. और स्टिक है वो वार्म अप के लिए है, और ये हमारे जो भाईजान है, हेलो सर, दोस्तों को हाय बोलिए, सबको हाय बोल रहे हैं सर हमारे. बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे वर्कआउट करने का मौका, मतलब वर्कआउट करते देखने का मौका मिला है इनको, तो सर बहुत ही ज़्यादा खुश है. तो चलते सीधा वार्म अप पे. वार्म अप हो चुका है, वार्म अप इज डन, और अब भी हम जाएंगे सीधा वर्कआउट पे. पहली एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस, उस पे जाएंगे सीधा. और डंबल इतने हैवी नहीं है, 15 केजी के उतने ज़्यादा हैवी नहीं होते शोल्डर प्रेस के लिए, तो भाई अपने वॉल्यूम पे ज़्यादा फोकस करेंगे. वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे भाई, इस पे हम टाइमर सेट कर देंगे 15 मिनट्स का. 15 मिनट्स, आप लोग सोचोगे भाई 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा होंगे, मैं आपको बताता हूँ क्यों. 10 सेट करने हैं, 10 सेट 15 मिनट्स में, और उसमें 10-10 सेट में फेलियर तक जाना है, 15-20 जितने आ सके रिपीटेशन, और रेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम लेना है, बहुत ही ज़्यादा. लाइक 15 मिनट में 10 सेट आपको इजी लग रहा होगा, हो जाएगा, बट एक्चुअली नहीं होता. जब आप हर एक सेट में फेलियर जाने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है. तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, हो जाए ट्राई करेंगे. तो वॉल्यूम पे करो, बहुत ही हार्ड होगा, ट्राई करना ये वर्कआउट कभी, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट होगा, मज़ा आएगा. स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स गो.
15 मिनट की बात हुई थी बट 12 मिनट के अंदर हमने खत्म कर दिया है। नाइस, वेल डन। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतनी मुंडी क्यों ला रहा था बीच के टाइम में, बीच के सेट में, तो भाई ये चल रहा था, एग्रेसिव फॉन्ग चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वाइब्स में था यार। बहुत परफेक्ट प्लेलिस्ट है ये भाई, सुनना हो तो तुम सुन सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा तुमको। दूसरी एक्सरसाइज साइड रेज है, तो इतना हैवी तो करना ही है साइड रेज में, तो क्या करेंगे हम डंबल को लाइट कर देंगे दोनों तरफ से, ये वाले को भी और ये वाले को भी। तो इसको निकाल देते हैं एक एक प्लेट को साइड से, इस साइड से एक प्लेट को निकाल देंगे और सेम करेंगे 10 सेट जितने आ सके। अरे यार ये निकल नहीं रहा, जितने आ सके 10 सेट में वापस वही करेंगे, टाइमर लगा के 15 मिनट के अंदर ख़त्म करना है 10 सेट को। ठीक है, लेट्स गो। एक बार फिर से हमने 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया है 200 रेप्स। यस, कोको भी अपने खुश। क्या बोलते हो सर, बढ़िया जा रहा है ना आज भाई, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। नाइस, मतलब जो बर्न हो रहा है अभी शोल्डर मेरे से, ऐसे भी ऊपर लिफ्ट भी नहीं हो रहा कैमरा, इतना ख़तरनाक बर्न हो रहा है। ट्राई करना कभी वॉल्यूम वर्कआउट करो तो भाई, टाइमर लगा के करो एक बार, ट्राई करना कभी, जितने रैप्स खींच सको खींचो, 200-300 जितने हो सके करो, बट कम से कम टाइम में करो तो ही फ़ायदा है, बाकी कोई मतलब नहीं है वॉल्यूम का। बस तो अभी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, रेडल को भूलना मत, रेडल को कभी भी मत भूलना अगर शोल्डर कर रहे हो तो। ये फ्रंट डेल्ट हो गया, साइड डेल्ट हो गए, फिर रेड डेल्ट की बारी है। सोफा का कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है, उसके बाद डंबल ले लो और ऐसे बैंड हो जाना, ठीक है, और सिर्फ पीछे पुश कर और पिंच करो, रेड डेल्ट पे पिंच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसका भी सेम करेंगे, रिपीटेशंस खींचना है टाइमर लगा के, बढ़िया वाला 10 सेट्स अगेन। और अगर आप घर पे कर रहे हो और डंबल ही है आपके पास तो ये करना मत, तो भाई बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जिम में भी कर सकते हो बट घर पे कर रहे हो तो इसको ऐड करना मत भूलो। लेट्स गो। Vi è la mirada che date cerca de mí. And again, भाई परफेक्ट टाइम पे खत्म हो रहा है, बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये आया कि भाई ऑलरेडी शोल्डर पूरे सोर हो चुके थे, तो 20 रैप्स नहीं आ पाए हर एक सेट में, बट 15 रैप्स कंप्लीट किए, हर एक सेट में फेलियर गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने रैप्स आ रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फेलियर जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। वर्कआउट भाई अपना पौने घंटे में ख़त्म हुआ है, 45 मिनट्स एग्जैक्ट तो नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बीच में थोड़ा सेटअप वेटअप करना होता है, थोड़ा रेस्ट हो जाता है, तो मतलब जो दो एक्सरसाइज के बीच में स्विच होते हैं तब रेस्ट हो जाता है तो वो अलग बात है, बाकी 45 मिनट्स का वर्कआउट है, परफेक्ट वर्कआउट है। वॉल्यूम हाई वॉल्यूम आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई अगर अच्छा लगे, अगर बहुत ज़्यादा बर्न हो ऐसा पता चले भाई खतरनाक वर्कआउट लगा, प्लीज़ कमेंट में बताना। और अब वीडियो भी फटाफट आएगी, बहुत जल्दी आएगी, एक के बाद एक आएगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ये रही वीडियो की समरी, आप देखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।